अतिथियों के आने का समय हो गया है, सारी तैयारियां हो गई हैं वहनी साहिब। जी महाराज। रानी सक्कूबाई पधार रही है। बड़ी वहनी साहिब, बड़ी बहनी साहिब। आयुष्मान भाव, ये आ गई महारानी। आपको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। महारानी रमाबाई की मृत्यु की खबर ने हमें बहुत विचलित कर दिया था, पर महल में आने की मनाई थी इसलिए जाकर भी नहीं आ पाए। आते ही चाल चलना शुरू कर दिया इन्होंने। कम से कम एक दिन तो अपने दिमाग को आराम दे देती, पर अपने तो अपने होते हैं। हम आपके इस विवाह के निर्णय से अत्यधिक खुश हैं महाराज। धन्यवाद बड़ी बहने साहिब। बड़ी बहने साहिब, आपके पोते कृष्ण राव नहीं आए आपके साथ? कृष्णा राव विवाह के समय आएंगे, अभी छोटे हैं ना, तो अधिक शोरगुल भीड़ भाड़ से उन्हें सुविधा होगी, इसलिए हम लेकर नहीं आए। कैसी है रानी जानकी भाई? अब तुम्हारी दाल गलने नहीं देगी ये सक्कूबाई, और जितनी दाल तुम गला चुकी हो उसे जलाकर राख कर देंगे हम। हम अच्छे, आप कैसी हैं? अच्छे हैं। आप तो कल भी जहरीली नागिन थी और आज भी है, और याद रखिए हमें भी बीन बजाना अच्छी तरह आता है। इतने दिनों बाद अपनों के बीच आकर सारी यादें ताजा हो गई। सांप का जहर और सक्कूबाई का कहर, जिसे कांपती है मौत और डरता है डर। हमारी भी धोखे का खेल चरम पर, हमें भरोसा है सिर्फ हम पर। रानी लच्छोबाई पधार रही है। ना ना ना, या अल्लाह, खुदा बस खता ना कराए, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हमारे प्यारे देवर हमारे सामने, आंखें तरस गई थी आपको एक झलक देखने के लिए। महाराज, जाने अनजाने में हमसे कोई गुनाह हुआ है तो उसके लिए माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए, नहीं तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। नहीं वहनी साहिब, पुरानी बातों को भूलकर हमें रिश्तों की नई शुरुआत करनी चाहिए। इसे कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हज करने से पहले अपने गुनाहों से तौबा करना चाहती थी, पर ये देखो ऊपर वाले ने आज हमें ये मौका दे दिया। मन तो करता है इसकी जीवा ही काट ले, फिर क्षमा तो क्या, कुछ भी मांगने लायक नहीं रहेगी ये ढोंगी कहीं की। लगता है नौटम की शाला से प्रशिक्षण लेकर आई है ये नाचने वाली। ऊपर वाला भी हैरान हो जाएगा इसका अभिनय देखकर। रानी सक्कूबाई साहेब, रानी जानकी बाई साहेब, अगर मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। आज हमें अपने भाग्य पर गर्व हो रहा है। ईश्वर ने हमें एक नहीं बल्कि तीन तीन मां समान महीनी साहिब दी, हमने अवश्य कोई पुण्य किए होंगे, इसलिए गणपति बप्पा को हम सच्चे दिल से धन्यवाद करते। खुदा बस खता ना कराए, किस्मत तो हमारी अच्छी है जो हमें आपके जैसे देवर मिले, जिन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी अपनी शादी में हमें बुलाया। या अल्लाह, बड़ी खुशी का मौका है। छोटी बहनी साहिब,
अली बहादुर नहीं आया आपके साथ? हाँ वो आए हैं, लेकिन दूर की सफर की वजह से थककर चूर हो गए और सीधा आराम करने चले गए। ये तो बताइए कि हमारी होने वाली देवरानी दुल्हन कहाँ है? लीजिए, आ गई झांसी की होने वाली महारानी। मणिकर्णिका, इनसे मिलिए। ये है महाराज की बड़ी बहनी साहेब रानी सुक्कूबाई, स्वर्गीय राजा कृष्णराव नेवालकर की धर्मपत्नी, और ये है लच्छूबाई, स्वर्गीय महाराज रघुनाथ राव नेवालकर की बीवी। खुदा खता ना कराए, कहने के लिए हम इनकी सौतन, लेकिन असलियत में हम इनकी छोटी बहन की तरह हैं, है ना जानकी भाई साहेब? ये झांसी से गई तो थी कटार बनकर और आई है मीठी छुरी बनकर। लगता है झांसी से दूर रहकर इसकी अकल ठिकाने आ गई है। हमेशा खुश रहिए। नाना, अल्लाह नजरे बद से बचाए। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें एक नहीं तीन तीन आई साहब मिल गई। तीन आई साहब? जी, हमारी मणिकर्णिका हमें बहनी साहब ने आई मानती है। हमने भी महाराज के लिए हीरा ढूंढा है, हीरा, वो भी कोहिनूर। तो इस कोहिनूर के लिए उनकी आई साहेब की तरफ से छोटी सी भेंट। अरे बहनी साहब, ये तो आपके आभूषण है। हमारे थे महाराज, मगर अब मणिकर्णिका के हैं। मणिकर्णिका सही कह रही थी, हमारी प्रजा को हमारी सहायता की अत्याधिक आवश्यकता है, इसलिए हमने भी ये निर्णय लिया है कि इस विवाह में आभूषणों पर व्यर्थ खर्च करने के बजाय हम उस राशि को हमारी प्रजा में बांट देंगे, ताकि वो लगान की भार से मुक्त हो सके। आप ये कौन सा राग अलापने लगी रानी जानकी बाई? लगता है रानी जानकी बाई भी मेरी तरह पाक साफ राह पर चलने लगी है। काश सक्कूबाई साहेब भी यही राह अपना ले, फिर तो ये महल जन्नत सा हो जाएगा। मगर परंपराओं को भी निभाना आवश्यक है, तो उन परंपराओं को निभाते हुए हम वर पक्ष की तरफ से मणिकर्णिका को यह आभूषण उपहार स्वरूप देते हैं। मैंने साहब, पर ये आपके और आप ही के पास रहने चाहिए। महाराज, अब ये आभूषण हमारे किस काम के? आपके बड़े भाई ने ये आभूषण हमारे लिए बड़े चाव से बनवाए थे, मगर हमारा दुर्भाग्य तो देखिए, हम इन्हें पहन भी नहीं सकते। अगर मणिकर्णिका इन्हें पहन ले तो इनका बनना सार्थक हो जाएगा। पर आई साहेब, आप बस अब कोई किंतु परंतु नहीं, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। वैसे भी ये आभूषण एक महारानी का केवल श्रृंगार नहीं है, शान भी है। बस अपनी आई साहेब का आशीर्वाद समझकर इन्हें स्वीकार कर लीजिए, और हमारे पास आपको देने के लिए और है भी क्या मणिकर्णिका? मैंने साहेब, हम जानते हैं कि इस विवाह में आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पर हम केवल आपकी रानी नहीं बनना चाहते हैं झांसी की रानी, और हमें एक महारानी के सारे अधिकार चाहिए। जैसा आप उचित समझे मैंने साहब। आई साहब, इन पर हमारा नहीं आपका अधिकार है,
आई की हर चीज पर बेटी का अधिकार होता है। इन्हें होने वाली महारानी के कक्ष में रखवा दीजिए। आई साहब, हमें अनुमति दीजिए। वाहिनी साहब, आप सब भी विश्राम कर लीजिए। शाम को सब अतिथियों का स्वागत आपको ही करना है। जी महाराज। आते गुरु, हमें बहुत चिंता हो रही है। आज के दिन महल से बाहर निकलना बहुत कठिन लग रहा था। इस कार्य को हम किसी और दिन भी अंजाम दे सकते हैं। अभी भी समय, तुम आज विवाह की तैयारी कर लो। नहीं ताते गुरु, हमारे लिए राज धर्म से बड़ी कोई रस्म नहीं। हमें वो विस्फोटक आज ही चुराना चाहिए। पर यह तो निश्चित है ना कि वो लोग यहीं से गुजरने वाले हैं। ये सूचना शत प्रतिशत सही है। विस्फोटक ओरछा से आ रहे हैं और ओरछा से झांसी जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है। और इन विस्फोटकों को शाम ढलने से पहले अंग्रेजी कमिश्नरी तक पहुंचाया जाएगा। नीचे देखो, कोई भी निशान नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही कदमों के और ना ही पहियों के। इसका मतलब शिकार अभी तक यहां से गुजरा नहीं। आपका चेहरा पूर्णिमा के चांद से अमावस का चांद क्यों लगने लगा रानी जानकी बाई? आपके चेहरे की रौनक कहीं इस विवाह ने तो नहीं छीन ली? रानी सुक्कू बाई साहेब, आपको भूलने की आदत कब से लग गई? याद रखिए, ये विवाह हम ही करवा रहे हैं। और रही बात छीनने की, तो हमारे चेहरे की रौनक ही क्या, हमसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। छीनने से याद आया, पता नहीं किस नामाकुल ने हमारे देवर महाराज गंगाधर से उनकी पत्नी और मासूम से बच्चे को छीन लिया। अच्छा भाई, आपको याद नहीं, रवाबाई की मृत्यु तो प्रसव के दौरान हुई थी और उन्होंने मृत बच्चे को जन्म दिया था। फिर ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। पता नहीं विधाता ने इतना बड़ा अनर्थ क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरह विधाता भी नहीं चाहते थे कि झांसी को वारिस मिले। अरे ये सिंहासन चीज ही ऐसी है, बड़े बड़ों का मन डोल जाता है, विधाता का भी। अरे आप दोनों हमें ऐसे क्यों घूर रही है? तौबा तौबा रानी जानकी साहब, हम तो सपने में भी आप पर तोहमत नहीं लगा सकते। अच्छा, इतनी बड़ी धर्मात्मा कब बन गई लच्छू भाई? हमें अच्छी तरह से याद है, आप दोनों एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकने के लिए व्याकुल रहते थे। हल्ला, गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हैं रानी साहिबा? खुशी का मौका है, अब तो हमें माफ कर दीजिए। देखिए ना, हमने तो सक्कू बाई साहिब को कब का माफ कर दिया। क्या कहा तुमने? एक तवायफ हमें क्षमा करेगी? सड़क की धूल थी तुम। जिस धूल को तिलक समझकर हमारे देवर रघुनाथ राव ने माथे पर लगा लिया। पर ये मत भूलो कि ये कोई राज तिलक नहीं, पूरे खानदान पर
कलंक का टीका साबित हुआ। ऐसा मत कहिए सिक्को भाई साहब, मोहब्बत तो खुदा का दूसरा नाम होता है और हम दोनों ने तो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत की थी, खुदा की इबादत की तरह। इसीलिए तो खुदा ने हमारी झोली में अली बहादुर को डाल दिया। अच्छा, पहले तो हमारे पति को फंसाया, फिर उनके भोलेपन का फायदा उठाकर तवायफ से रानी बनने के सपने देखे, और फिर इसी धोखे को प्रेम का नाम देते हुए आपको शर्म नहीं आती और आपको बड़ा प्यार आ रहा है अपने स्वर्गवासी पति पर। जब तक वो जीवित थे तब तो आपको उनकी कोई चिंता नहीं थी। कोढ़ हो जाने की वजह से आपने उनकी सेवा तो दूर, उन्हें एक अनाथ की तरह छोड़ दिया था ताकि वो कोढ़ कहीं आपको ना हो जाए। भाई, इतनी पतिव्रता नारी को तो उपहार स्वरूप में तवायफ ही मिलनी चाहिए, सौतन के रूप में। गुरु, इन विस्फोटकों की मदद से ही ये अंग्रेज हमारी झांसी में रेल मार्ग बिछाने की योजना बना रहे हैं। हमें हर हाल में उनकी ये चाल को विफल करना होगा। तो सोचा था कि ये लोग झील के पास रुककर विश्राम करेंगे और तब हमें सुनहरा मौका मिल जाएगा विस्फोटक को चुराने का, परंतु ये लोग तो रुके ही नहीं। हम इनके रुकने की प्रतीक्षा नहीं, इन्हें रोकने का प्रयास करेंगे और वो भी सावधानी से। मनु, इनके पास हथियार है और हम निहत्थे हैं। पाते गुरु, हमारे साथ साहस, आत्मविश्वास और आपके जैसा गुरु है जो किसी भी हथियार से बढ़कर। देवा, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, परंतु मनु की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। बातें करो, रास्ता मिल गया इन विस्फोटक को चुराने का। मतलब? जमीन के ऊपर से नहीं, जमीन के अंदर से। जिस प्रकार महाभारत में पांडवों को दुर्योधन की भ्रष्ट चाल से बचाने के लिए विदुर ने जमीन के अंदर एक सुरंग बनाई थी, उसी प्रकार हम भी इन फिरंगियों के भ्रष्ट चाल से अपनी प्रजा को बचाने के लिए जमीन के अंदर से जाएंगे। और जैसे विस्फोटक से भरी गाड़ी यहाँ आएगी, हम अंदर घुस जाएंगे। मनु, ये गाड़ी किसी आम व्यापारी की नहीं है, परंतु मौत का व्यापार करने वाले इन धुर फिरंगियों की है। इस मौत के व्यापार को उनकी हार बनाकर हम लाखों जीवन बचाएंगे तातेपुर, और इसमें हिंदुस्तान की मिट्टी हमारा साथ देगी। आप हमारी चिंता मत कीजिए।